दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में 5G नहीं चल रहा है या 5G एक्टिव नहीं है तो एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जियो एप्लीकेशन का बात करें, जियो सिम का बात करें, तो सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में है तो आप ओपन कर लीजिए, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्त सबसे ऊपर यहाँ पर कुछ लोगो दिख जाएगा आपको मोबाइल का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ देखिए कांग्रेचुलेशन जहाँ ऑप्शन आ रहा है कांग्रेचुलेशन, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्त गेट स्टार्टेड जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपका हैंडसेट जो है, आपका मोबाइल जो है अपडेट है तो आई हैव अपडेटेड को क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल अपडेट नहीं है तो अपडेट पहले कर लेना है यहाँ से क्लिक करके। तो मेरा तो अपडेट है तो इस पर हम आई हैव अपडेटेड पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप ग्रेट योर 5G रेडी एंजॉय जियो वेलकम ऑफर, यहाँ से हो रहा है। वरना आपके मोबाइल में हो सकता है कि यहाँ पर सेटिंग में आपको लेके जाए। मेरा ऑलरेडी सेटिंग कंप्लीट है, इस वजह से मेरे में इतना पे ही 5G दिखा रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं बाहर चलता हूँ तो 5G कनेक्ट हो जाएगा। अभी 4G है पर 5G हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में इसके बाद अगर यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आया तो सेटिंग पर क्लिक करके वहाँ से सेटिंग आपको टाइप कर लेना है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरा 5G यहाँ पर शो करने लगा। तो ऐसे अपने जियो का 5G यूज कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो के साथ।